किशन अग्रवाल है, मैं थान खमरिया में रहता हूँ। थान खमरिया? जी सर। यही विधानसभा कक्ष से है? जी सर, थान खमरिया में रहता हूँ। यही विधानसभा कक्ष से है? जी सर। काली कावर नहीं आज बाबूते हैं? सर मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं रात को जगता हूँ और दिन को सोता हूँ। ये काम तो कौन करते हैं? क्योंकि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। हाँ देखा, और... मतलब रात के जगना थोड़ी जरूरी है, दिन में पढ़ाई कर। मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ कि मुझे रात को जगना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा क्या बोलना चाहते हो बताओ। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे EWS में 4% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो EWS जिसका 2-3 फैक्ट्री है वो भी डालता है, और सर वहाँ हर साल बनवाना पड़ता है, और वहाँ 500,000 रुपया भी लगता है सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर 76% मत दीजिए, क्योंकि जनरल वाले जो अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं सर उनको क्यों पनिश किया जा रहा है? जो जो सर पिछड़े वर्ग के हैं उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए उनके ज्यादा पॉपुलेशन है सर। पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन ना दिया जाए सर। इस मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 3-4 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं 3-4 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर। सर इस गोट कार्यक्रम में सिर्फ आप ही आप बोल रहे हैं, मैं सिर्फ 3-4 मिनट बोलना चाहता हूँ कि सर आप ऐसा सुनो, एक पहली बात तो ये सुनो। हाँ। पहले तुम्हारा माइंड प्रीजुडिस है? नहीं है सर। आप सुनो, एक चीज सुन लो, अभी सब लोग बोल रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूँ वो हाथ, जो हाथ उठाते हैं सबको मौका दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, ये गलत आरोप लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है ना? तो पहले बात तो अपने वापस लो, समझ गए? और ये मौका मिला है तुमको, किस मुख्यमंत्री के पास तुम्हारे पिताजी के बात किए? सर मेरे पिताजी, मैं जब छोटा था, 8 क्लास में था जब, तुम्हारी मम्मी का भी बात की, तुम्हारे चाचा का भी बात किया? किस तरीके से सर? कभी अरे कभी माइक दिया उसको कि बात किए? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए भैया तुमको मौका मिला है तो तुम मुझ पर आरोप लगाओगे? सर आरोप तो मैं लगा सकता हूँ सर, हर कोई लगाता है सर एक दूसरे पे। आप रमन सिंह को लगाते हैं, मोदी को लगाते हैं। सुनो सुनो, मैं मत सुनो, मैं उसे बात करता हूँ। कौन क्लास में पढ़ रहे अभी? सर मुझे 5 साल हो गए ग्रेजुएशन हुए। 5 साल हो गए ग्रेजुएशन हुए? जी सर। है ना? जी सर। आप ऐसे कीजिए, 76% रिजर्वेशन नहीं कीजिए, आप जो वैकेंसी आ रही है उसको 2 या 3 गुना कर दीजिए, जिससे सब वर्ग के लोग खुश हो जाएंगे सर, आप चुनाव जीत जाएंगे सर। आप ऐसे कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट के आप विरुद्ध जा रहे हैं सर। सर आप कोर्ट के विरुद्ध जा रहे हैं और सब युवा को परेशान कर रहे हैं। हमारा सवाल हो गया ना सर, आप सब युवा को परेशान कर रहे हैं। मैं कोर्ट के विरुद्ध जा रहा हूँ, ये बात बोले ना? जी सर। माइक दो वापस दो सर। आप अग्रवाल जी, आप मानसिक तौर पर विकृत हैं? नहीं। सीएम साहब ने आपको मानसिक विकृत बता के क्यों वहाँ से भगाया? वो तो सीएम सर से पूछना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बात कह दी, कोई कुछ सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी बात कह दी। क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे देखा सर कि पुलिस ने उसको पकड़ के ला रहे हैं। नहीं देखा सर, पकड़ के ला है, पकड़ के ला है, फूट बोल रहे हैं, पकड़ के ला है, फूट बोल रहे हैं, मैंने देखा। मत यार, किस बात पे बोले ना? जी सर। माइक दो वापस दो, माइक दो। अब इसका ये है कि आरक्षण के बारे में सवाल किया, बैठ जाओ अग्रवाल जी, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उसके जितनी जनसंख्या और उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अरे तुम सुनो यार, तुम संविधान को नहीं मानते, हम मानते हैं तो सुन लो, समझ गए? तुम्हारे हिसाब से अकेले संविधान नहीं बनेगा। अरे सुनो यार, तुम याद इसका इलाज कराओ, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम चुपचाप सुनो। हाँ मैं इलाज करवा देता हूँ इसका, कलेक्टर साहब इसका इलाज कराओ। मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तो सुनने के धैर्य होना चाहिए, है ना? सवाल किया तो उसका उत्तर सुनो। उस विधानसभा में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके विधायक ना रहते हो, चाहे वो अपर क्लास के लोग हों, ठाकुर ब्राह्मण अग्रवाल की बात करें, चाहे पिछड़े वर्ग की बात करें, उस वर्ग के विधायक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक तो है ही आरक्षण के चलते। और सभी राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी है, योगी कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, सब पार्टी के प्रतिनिधित्व वहां है, और सब लोगों ने एक राय से यह प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में कि अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को, उसके लिए हमने हेड काउंट कराया पूरे प्रदेश में,
और उसके हिसाब से 42.5% आया उनको मिला 27%। और ईडब्ल्यूएस के भी हेड काउंट कराया, पूरे देश में पहली बार हुआ है, पूरे देश में भारत सरकार ने भी ईडब्ल्यूएस के 10% तक किया है, लेकिन उसके बाद भी हेड काउंट नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ सरकार के पास ईडब्ल्यूएस के लिए हेड काउंट कराया गया, उसमें 3.5% आया और उसको 4% उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बताइए मैं संविधान के या मंडल कमीशन के या भारत सरकार के फैसले के खिलाफ में एक लाइन भी या 1% भी किसी का कम या ज्यादा किया हूं? मैंने वही किया जो संविधान में व्यवस्था है, मैंने वही किया जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, मैंने वही किया जो भारत सरकार किया जा सकता है। संविधान नहीं बनेगा। अरे सुनो यार, तुम याद इसका इलाज कराओ, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम चुपचाप सुनो। हाँ मैं इलाज करवा देता हूँ इसको, टैक्स कलेक्टर साहब इसका इलाज कराओ। मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तो सुनने के धैर्य होना चाहिए, है ना? सवाल किया तो उसका उत्तर सुनो।